लुका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 16 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ी जेवनार की और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ में नेवतहारियों को कहला भेजा कि आओ, अब भोजन तैयार है। हाँ। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी से ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, तूने कहा था वैसे ही किया गया, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन नेवते हुओं में से कोई मेरी जेवनार को न चखेगा। और जब बड़ी बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे फिरकर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के बालों ये तो बढ़िया बुरा और लड़के बालों और भाइयों और बहनों वर्ण अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन का खुलना, आपकी वाणी का खुलना। प्रभु, एक बड़ी बरकत लेके आए, बड़ी आशीष लेके आए पिता परमेश्वर, और इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन में कहता है, सुसमाचार उसका 14 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 15 वचन में जब हम देखते हैं, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। हालेलुया। धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। बोल सकते हैं आप, धन्य है वह, बोलिए ना मेरे पीछे, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। क्या मतलब है इसका कि वो धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा? और परमेश्वर के राज्य में कौन सी रोटी मिलती है, और कौन कौन लोग परमेश्वर के राज्य की रोटी खा सकते हैं? हालेलुया। कौन कौन लोग परमेश्वर के राज्य की रोटी खा सकते हैं, और क्यों परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा, जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। कभी आपने सोचा कि मैं परमेश्वर के राज्य में रोटी खाऊंगा, या मैं परमेश्वर के राज्य में रोटी खाऊंगी? कभी सोचा है? और परमेश्वर के राज्य की रोटी है कौन सी? यीशु मसीह का जीवन की रोटी मैं हूं, है ना, जीवन का पानी भी मैं हूं। तो क्या है परमेश्वर के राज्य की रोटी? कौन है परमेश्वर के राज्य की रोटी? आत्मा की खुराक क्या है मेरे भाई बहन? क्या है आत्मा की खुराक? आत्मा क्या खाड़ा मांगता है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारी रोटी है, हमारी आत्मा की खुराक है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारी भोजन है। जब आप प्रभु की मेज में से शामिल होते हो,
तो क्या सोच के लेते हो कि प्रभु का देह है जो मेरे लिए तोड़ा जाता है, प्रभु का लहू है जो मेरे लिए बहाया जाता है। तो परमेश्वर के राज्य में रोटी क्या है? हाजी, यहां तो हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, और यहां जो वचन को पढ़ते हैं हमारी आत्मा की खुराक है, आत्मा मजबूत होती है, दलेरी मिलती है, ताकत मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, हम ऊंचा उठते हैं, हम बढ़ते हैं, और यही ताकत वहां जाके परमेश्वर के राज्य में आपको प्रभु के नजदीक ले आती है। हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जब ये रोटी खाने का टाइम आता है, जब ये आत्मा की रोटी खाते हैं, जब ये वचन की खुराक खाते हैं, तो तीन बातें यहां पे आती है, वो आपको ध्यान रखना है। तीन बातें आपको रोकती हैं परमेश्वर के राज्य में आने से, और कौन कौन सी वो बातें हैं? प्रभु का वचन कहता है किसी मनुष्य ने, यीशु मसीह उसके बाद समझाता है, उसने उनसे कहा किसी मनुष्य ने बड़े भोजन का प्रबंध किया, बड़ी जेवनार रखी, बहुतों को नेवता दिया, और अपने दासों के हाथ में आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। किसी आदमी ने समारोह किया, बहुत से लोगों का खाना बनाया, लंगर बनाया, और बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया, और बहुत से लोगों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को इनवाइट किया कि आओ खाना तैयार हो गया, अब आगे खाओ, और दासों को भेज दिया कि बुला के लाओ लोगों को, जिन जिनको मैंने नेवता दिया उनको बुला के लाओ, मैंने उनके लिए भोजन तैयार किया है। अब दास जो है, नौकर जो है, मालिक ने जिन जिन के पास उनको भेजा उनके पास गए और जाके कहने लगे भोजन तैयार है, आप लोगों के लिए बड़ा खाना तैयार है, अब आप लोग आ जाइए और खाना खाइए और आनंद कीजिए। लेकिन वे सब के सब माफी मांगने लगे, वो सब के सब क्या कहने लगे? माफी मांगने लगे। अगर आप एक खाने का प्रबंध करें, आप कोई पार्टी करें, आप कोई प्रोग्राम करें, कोई फंक्शन करें, और बहुत सा खाना बनाए लोगों के लिए, और जिनको आप बुलाते हैं वो आने से मना कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? अच्छा लगना चाहिए ना, सारा खाना बच गया अकेले खाएंगे, नहीं कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि आपने बड़े दिल से उस का प्रबंध किया है, आपने बड़ी मेहनत की है, आपने अपने मेहनत का धन उसमें लगाया है, आपने अपनी कमाई उसमें लगाई है, और आप जब दूसरों को खाना खिलाते हैं, अपने मित्रों को खाना खिलाते हैं, तो आप खुश होते हैं, आपको संतुष्टि मिलती है, आपको अच्छा लगता है, इसीलिए आपने दूसरे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध किया है ना। हमारे घर में शादी होती है, हम रिश्तेदारों को बुलाते हैं, क्यों? बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, आइए मेरे बेटे की शादी में शामिल होइए, खुशी में खाना बनाते हैं। बेटे की शादी है, बच्चों का बर्थडे है, कुछ और पार्टी है, घर मिल गया, आपको प्रभु ने आशीष दे दी, आप क्या करते हैं? खाने का प्रबंध करते हैं, मेरे रिश्तेदारों को बुलाते हैं और अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं। अगर आपके रिश्तेदार आने से मना कर दे और कहे जी मैं नहीं आ सकता, और कोई भी ना आए, तो आपको कैसा लगेगा? उस वक्त अच्छा लगेगा? आपको गुस्सा आएगा ना, आपको क्रोध आएगा, अरे मैंने इतना अच्छा खाना तैयार किया है, मैंने ये बढ़िया खाना बनाया, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, खाने वाले जवाब दे रहे हैं। पहले ने क्या कहा? पहले ने उससे कहा मैंने खेत मोल लिया है, और अवश्य है मैं उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर। बाइबल खोल के, पहले ने क्या कहा? मैंने खेत मोल लिया है। क्या कहता है पहला आदमी? मैंने खेत मोल लिया है, और मेरे लिए यह जरूरी है कि मैं जाके अपने खेत को देखूं, इसलिए तू किसी और को बुला ले, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। इसलिए मुझे माफ कर दे, किसी और को बुला ले। दूसरे ने क्या कहा? दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे, किसी और को बुला ले। दूसरा क्या कहता है? मैंने 5 जोड़े बैल जो है मोल लिए हैं, अब मैं उनको परखने के लिए जाता हूँ कि कौन सा ज्यादा चलता है, कौन सा कितना चलता है, इसलिए तो मुझे माफ कर दे। 5 जोड़े बैल मैंने मोल लिए हैं, मैं उनको परखने के लिए जा रहा हूं, तू मुझे माफ कर दे। तीसरे ने क्या कहा? और उसने
ने कहा मैंने ब्याह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। तीसरे ने कहा कि मैंने ब्याह किया, मेरी अभी अभी शादी हुई है इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ, आप किसी और को बुला लीजिए। कैसा लगेगा आपको? आपने अच्छा खाने का प्रबंध किया, आदमी बोलता है मैंने खेत मोल लिया है, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं चला जाता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। भाई आप पहले भी बोल सकते थे कि मुझे माफ कर दीजिए, आप पहले भी बोल सकते थे कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन अभी क्यों बोल रहे हैं आप? उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दासों से कहा नगर के बाजारों में गलियों में जाओ, कंगालों को टूंडों को लंगड़ों को अंधों को यहां ले आओ। घर के मालिक ने क्या कहा? गुस्से में आके कहा घर से जाओ और बाजारों में जाओ, लंगड़ों को ले आओ, अंधों को ले आओ, टूंडों को ले आओ, बैरों को ले आओ, किसी को भी ले आओ, किसी को भी ले आओ। मैंने खाने का प्रबंध जिन लोगों के लिए किया है वो नहीं आए तो मेरा खाना बेकार नहीं जाएगा। और दूसरी बात एक और, क्यों उसने कहा कि अंधों को ले आओ, लंगड़ों को ले आओ, कानों को ले आओ, टुंडों को ले आओ, भिखारियों को ले आओ, जो भी फंसे ले आओ, जो भी मिले ले आओ। एक बार की बात है कि एमएलए को एक नीम पत्थर रखना था कहीं, जब कोई सरकारी बिल्डिंग बढ़ती है, कोई पंचायती बिल्डिंग बढ़ती है, तो कोई सरकारी अधिकारी आके उसका नीम पत्थर रखता है या उसका शिलान्यास करता है या उसका उद्घाटन करता है, और वो मंत्री जी नहीं आए। मंत्री जी नहीं आए तो बुलाने वालों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने क्या कहा, चौक में गए, एक मोची को लेकर आए, एक जुतियां बनाने वाले को लेकर आए और उसे कहा कि आप रिबन काटो, और उन्होंने उस मोची के हाथ से रिबन कटवा दिया। अब मोची के हाथ से रिबन कटवा दिया तो जो पत्थर लगना है वो उन्होंने मंत्री जी के नाम का पत्थर उखाड़ दिया, अभी मोची के नाम का पत्थर लगा दिया। देखिए, जिनको बुलाया था वो नहीं आया, उनकी जगह पे ऐसे आदमी को बिठा दिया जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो सबके जूते साफ करता है, हालांकि वो रोजगार है उसका, लेकिन फिर भी उस आदमी को बेइज्जती करने के लिए, उस आदमी को नीचा दिखाने के लिए इस आदमी को इतनी ऊंची जगह पे बिठा दिया। अब घर का मालिक क्या कहता है, जिसने भोजन का प्रबंध किया उन लोगों को नीचा दिखाने के लिए, उन लोगों को शर्मिंदा करने के लिए बाजारों में से अंधों को ले आओ, भिखारियों को ले आओ, टूंडों को ले आओ, लंगड़ों को ले आओ और मेरे घर में लेके उनको भोजन करवाओ। अब ये तीन लोग कैसे कैसे थे, एक ने खेत लिया है, दूसरे ने बैल खरीदे हैं उनको परखने के लिए जाना है, तीसरे ने शादी की है, पत्नी को छोड़कर नहीं जा सकता। परमेश्वर भी बहुत से लोगों को बुलाता है, परमेश्वर भी बहुत से लोगों को बुलाता है, एक द्वार में भी आपको बुलाता है परमेश्वर। परमेश्वर कहता है छह दिन काम करके सातवां दिन आ जाओ, आत्मा की खुराक ले लो, परमेश्वर के वचन को सीख लो, आराधना कर लो, अपनी आत्मिक जिंदगी को नया कर दो। लोग नहीं आते, वो मौका परमेश्वर दूसरों को दे देता है, क्योंकि परमेश्वर का काम रुकता नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का काम रुकता नहीं है। आप करोगे नहीं तो परमेश्वर किसी और से करवा लेगा। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर का कार्य रुकता नहीं है, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। उसने आदमियों को जिम्मेदारी दी है, आदमी नहीं करेंगे तो औरतें करेंगी, बहनें करेंगी, बहन भी नहीं करेंगे तो बच्चे करेंगे, और बच्चे भी नहीं करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पत्थर चिल्ला उठेंगे। लेकिन रब का काम रुकेगा नहीं, परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं, परमेश्वर का काम होता रहेगा। हालेलुया, आज भी ऐसे ही कोई मदद करे ना करे लेकिन परमेश्वर का काम तो होगा ही। लेकिन आप कहीं मौका ना छोड़ दें। अब यहां तीन लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारियां थी,
एक आदमी के ऊपर जिम्मेदारी थी, मैंने खेत मोल लिया है, यानी मेरा काम है। क्या है? काम, मुझे काम है। बहुत से लोग कहते हैं काम ज्यादा हो गया था जी, मुझे काम हो गया था जी, मेरा काम रुक गया था जी। ये काम कई बार आपके लिए रुकावट बन जाता है, आपको प्रभु के पास आने से रोकता है, उस खुशी में शामिल होने से रोकता है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर में आत्मा का भोजन करने से वो काम रोक देता है। दूसरा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए, मैं उनको परखने के लिए जाता हूं, मैंने खरीदे हैं, अब मैंने उनको देखना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। क्या है जिम्मेदारी? है मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे बैलों को मैंने परख के देखना कि कौन सा रखना कौन सा नहीं रखना। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले को क्या था? काम, काम रोकता है आपको। दूसरा, जिम्मेदारी रोकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रोकती है। तीसरा, मैंने अभी अभी शादी की है, फैमिली है मेरी। क्या है मेरी? फैमिली। फैमिली रोकती है, परिवार रोकता है, है? परिवार कैसे रोकता है जी? संडे को तैयार हुए थे सुबह सुबह और रिश्तेदार घर में आ गए, इसलिए उनको छोड़ के आ नहीं सकते जी। रिश्तेदारी में शादी थी इसलिए आ नहीं सकते। मेरे रिश्तेदारों को करीब करीब अब मालूम हो गया कि संडे की शादी रखेंगे तो ये लोग नहीं आएंगे। पहले ऐसा ही होता था, हर शादी संडे की, मैंने जाना ही नहीं। अब कई लोग मुझे पूछ के शादी रखते हैं जी, संडे की रख ले। मैं बोलता हूँ रख लो, मुझे मैम तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे रब से ज्यादा प्यार है। मेरे रब के घर में मैं आऊंगा, मेरे रब के चरणों में मैं बैठूंगा, परमेश्वर की आराधना करूंगा, तो मेरी आत्मा मजबूत होगी। तुम्हारी शादी में मैं आऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, परेशान होगा, पैसे खर्च करूंगा, और मेरे शरीर में भी नुकसान होगा, क्योंकि शादी का जो खाना है अच्छा खाना तो है नहीं, मिर्च मसाले वाला होता है। तो भैया तेरी शादी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे परमेश्वर के घर में रहना है, चाहे मैं खाना भी ना खाऊं लेकिन मैं अपने परमेश्वर के घर में रहूंगा, मुझे शादी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत बार हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग शादी को, रिश्तेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, काम को परमेश्वर से ज्यादा बड़ा कर लेते हैं, और परमेश्वर वो आशीष जो उस दिन आपको देनी होती है किसी और को दे देता है। क्योंकि यहां वो भोजन जिन लोगों के लिए तैयार किया था वो लोग नहीं आए, उन खास मेहमानों के लिए तैयार किया था लेकिन ये खास लोग आए नहीं। तो शादी जिसने भोजन बनवाया था, भोजन के मालिक ने, घर के मालिक ने कहा सड़कों पर, पहाड़ों में, खेतों में जा और लोगों को विविश कर ले आ ताकि मेरा घर भर जाए। उसने फिर दास ने उनसे कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसा ही हमने किया है, और जगह और भी है, बाजारों से, गलियों से कंगालों को, टूंडों को, लंगड़ों को, अंधों को ले आए, उसके बाद भी जगह है। अब कहता और लोगों को भी ले आ, खेतों में जा, बाड़ों में जा, गलियों में जा, सड़कों में जा, और लोगों को भी ले आ, मेरा घर भर जाना चाहिए। उसके बाद वचन 24 में कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चख पाएगा अब। हालेलुया। अब उन आमंत्रित लोगों में से जिनके लिए मैंने खास खाना बनाया है, उनमें से कोई नहीं आने देगा, किसी को नहीं आने देंगे। अभी लंगड़े खाएंगे, टूटे खाएंगे, भिखारी खाएंगे, कंगाल खाएंगे, गली में आते जाते चलते फिरते लोगों को विवश करके ले आओ, मजबूर करके ले आओ, फोर्सफुली ले आओ उनको, ताकि मेरा घर भरा रहे। परमेश्वर का घर किसी एक इंसान से भरता नहीं है, परमेश्वर के घर में हम सब लोगों की जरूरत है, और अगर आप नहीं आएंगे तो परमेश्वर किसी और को दे देगा ये जिम्मेदारी। ये खाना जो आपके लिए बनाया, ये आशीषें जो आपके लिए बनाई हैं, अगर आप इन आशीषों को छोड़ देते हो तो परमेश्वर ये आशीषें किसी और को दे देगा, क्योंकि परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो अपने लोगों को आशीष देनी है, आप नहीं लेंगे कोई और आएगा, किसी और को मिल जाएगी, कोई और आएगा, किसी और को मिल जाएगी। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, सारा दिन काम करके आते हैं, सेवा करके आते हैं, खाली पेट होते हैं तो शाम को कोई ना कोई जबरदस्ती करके बुला लेता है, आइए मेरे घर में आ जाइए। जब घर में जाते हैं तो पहले से उन्होंने खाना तैयार किया हुआ होता है, बोलते हैं प्रभु जी आज तो दिन भर की आशीष इन लोगों के लिए प्रार्थना करके आइए, परिवार ने ले लिया है,
कभी कभी ऐसा भी होता है ना, परमेश्वर जब आपको बुलाता है, परमेश्वर जब आपको आशीष देने के लिए बुलाता है, परमेश्वर जब आपको चंगा करने के लिए बुलाता है, परमेश्वर जब आपको ऊंचा उठाने के लिए बुलाता है, परमेश्वर जब आपको अपनी आत्मा से भरने के लिए बुलाता है, परमेश्वर जब आपको वचन से धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए बुलाता है, तो पीछे मत जाइए, परमेश्वर के चरणों में आइए और जो आपके हिस्से का परमेश्वर ने रखा है वो परमेश्वर ने आपको देना ही है। बहुत से लोग शनिवार को ही तैयार हो जाते हैं, संगति से एक दिन पहले से ही तैयार होकर बैठ जाते हैं कि मुझे परमेश्वर के घर में जाना है, मुझे परमेश्वर के चरणों में जाना है, और अपने बच्चों को भी तैयार करके कपड़े उपड़े प्रेस करके पहले से रख लेते हैं, और कुछ लोगों को फोन भी करना पड़ता है। दूसरे लोग पूछते हैं, भाई तुम चलोगे क्या? नहीं जी आज तो ये है। अरे नहीं आ जा, आज प्रभु का दास ये प्रचार करने वाले हैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बाद में पता लगता, ओहो इतनी चंगाइयां मिली लोगों को, मैं जाता तो शायद मैं भी ठीक हो जाता, मैं जाती तो शायद मैं भी ठीक हो जाती। मत छोड़िए, ये मौका कभी कभी मिलता है, ये मौका कभी कभी मिलता है। धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य में भोजन खाएगा, हालेलुया, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में भोजन खाएगा। लोग अपने परिवार को लेके दो दो तीन तीन दिन के लिए हमारे साथ रहने के लिए आ जाते हैं, हम पूछते हैं क्यों आते हो? नहीं जी आपके साथ मिलकर प्रभु की सेवा करेंगे, आपके साथ मिलकर प्रभु का काम करेंगे, आपके साथ प्रार्थना में समय बिताएंगे। आइए, सब लोगों का स्वागत है। परमेश्वर सबके लिए, सबके लिए उसने आशीष रखी हुई है, सबके लिए उसने आत्मिक खुराक रखी हुई है। जिम्मेदारी आपकी है, परमेश्वर आपके घर में नहीं आएगा देने के लिए, आपको परमेश्वर के घर में आना पड़ेगा उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में भोजन करेगा। मेरे पीछे बोल सकते हैं, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में भोजन करेगा। ऊंचा बोलिए ना, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में भोजन करेगा। धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में भोजन करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने